एक अहम खबर देखिए, रूस ने लवीव पर हमला करके बड़ी जंग छेड़ी। लवीव पर अटैक के बाद पश्चिम के मुल्कों में टेंशन। पूर्वी यूक्रेन में हमले से सभी दिग्गज लवीव में छिपे हुए थे। लवीव पर हमले के पीछे पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी, समझा यह जा रहा है कि यह नई वॉर स्ट्रैटेजी है। डोनबास का इलाका यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जहां से रूस की सेना पहले दाखिल हुई और वहां से अलग अलग जगहों पर फैली। एक ये बड़ा अंदर आने का एक बड़ा रास्ता ये था, दूसरा क्रिमिया की तरफ से और तीसरा ऊपर बेलारूस की तरफ से। अभी तक वेस्टर्न यूक्रेन लगभग अछूता था। लवीव में एयर अटैक के सायरन बजते थे, लेकिन अभी तक वहां हमला हुआ नहीं था। अब वहां पर भी हमला हुआ है, वहां पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर पर हमला हुआ है। तो क्या वेस्टर्न यूक्रेन अब निशाने पर आ रहा है? सवाल क्या है, ये सवाल जरा देखिए। इस हमले के साथ, लवीव पर इस हमले के साथ बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। टारगेट फिक्स करके क्या अब रिस्क लेने वाले हैं पुतिन? टारगेट फिक्स दुनिया पर बड़ा रिस्क। रूस ने लवीव को निशाना क्यों बनाया? लवीव नक्शे पर जरूर देखिए, यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा, पोलैंड बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर की तरफ यूक्रेन में लवीव पर हमला करना कितना मायने रखता है। क्यों मायने रखता है पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बनाना? क्या पुतिन ने युद्ध रणनीति में कोई बदलाव किया है? क्योंकि अभी तक पूर्वी हिस्से से ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ से और दक्षिण में क्रिमिया की तरफ से, बेलारूस की तरफ से और क्रिमिया की तरफ से, इधर से हमले बोले जा रहे थे। लेकिन यह पश्चिमी हिस्सा जो अभी तक अछूता था, उस तरफ हमला बोले जाने का मतलब क्या पुतिन ने युद्ध रणनीति में कोई खास बदलाव किया है? निशाना लवीव क्यों? जरा ये नक्शा जो मैं कह रहा था, ध्यान से देखिए। अब ये मैं आपको नक्शे की तरफ ले आया हूं, जरा देखिए इस हिस्से को, समझिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की अगर ये दिशाएं आप समझ रहे हैं, तो इसमें देखिए लवीव को, पश्चिमी शहर। पोलैंड आपको नजर आ रहा है, पोलैंड को बहुत ध्यान से देखिए। पोलैंड से अंदर की तरफ इधर यूक्रेन में 80 किलोमीटर और वहां पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। लवीव में लोगों ने बच्चों के खाली पालने को रखकर रूस के इस अटैक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों के बीच लवीव पर हमला हुआ है। और यह दिखाता है कि अब रूस इस बात को लेकर बेहद एग्रेसिव है कि क्यों आ रही है पोलैंड की तरफ से मदद, यूक्रेन को मदद क्यों दी जा रही है, हथियारों की मदद क्यों दी जा रही है। वहां के लोगों को, जिन सिविलियंस ने हाथों में बंदूक थाम ली है, उनको मानवीय सहायता के नाम पर मदद क्यों दी जा रही है? और इस बात से खफा होकर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर पर लवीव में हमला बोला गया है। युद्ध से छिपकर भागे लोगों का सुरक्षित ठिकाना इसको माना जा रहा है। मानवीय मदद यहां से पहुंचाई जा रही है, रूस इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बदले पश्चिम में अब तक अगर दोनों को कंपैरिजन करें आप, तो ये हिस्सा अब तक शांत था, इसीलिए जो लोग इधर से परेशान थे वो आकर यहां पर शरण ले रहे थे। और पोलैंड की सीमा से अंदर की तरफ 80 किलोमीटर, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, लवीव, पोलैंड में 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पहुंच चुके हैं पश्चिमी देशों को चेतावनी देने के लिए। रूसी हमला अगर मदद की यूक्रेन की, हमारे और यूक्रेन के बीच में आए, तो अभी लवीव पर हमला हुआ है, आगे पोलैंड की तरफ भी जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, इसके इशारे क्या हैं, इस हमले के इशारे क्या हैं, पश्चिमी यूक्रेन की तरफ रूस का बढ़ता ये आक्रमण अब क्या कह रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये अहम खबर आपके सामने है, लवीव पर अटैक के बाद पश्चिम के मुल्कों में टेंशन है, पोलैंड टेंशन में है, क्योंकि पहले यह समझा जा रहा था और रूस ने कह भी दिया था। सर्गेई लावरोव का वो बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था जो बीच में आएगा मारा जाएगा। आपको यह भी याद होगा कि जब यह सब मामला शुरू ही हुआ था, तो पुतिन ने क्या कहा था, ऐसी इबरत देंगे बीच में आने वाले को जो इतिहास में दर्ज होगी। लवीव पर अटैक के बाद पश्चिमी मुल्क टेंशन में है। प्रोफेसर कपिल कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं, इतिहास में दर्ज होगी, एक इतिहासकार की निगाहों से समझने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या इबरत हो सकती है। सुरेश गोयल, एम्बेसडर सुरेश गोयल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कूटनीति की भाषा आपको समझा सकते हैं, कूटनीति की भाषा में जो कहा गया उसके निहितार्थ क्या है ये भी बता सकते हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन कपिल कुमार सर, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं, पश्चिम की तरफ बढ़ चला आक्रमण क्या कहता है? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि किसी भी लड़ाई के अंदर जो सप्लाई लाइन है उनको काटा जाता है, और जब कॉन्स्टेंट सप्लाई जो है पश्चिम की तरफ से हो रही है यूक्रेन को, तो रशिया उन लाइंस को काट रहा है। मैं तो हैरान हूं कि ये अटैक उसने पश्चिम के ऊपर 15 दिन पहले क्यों नहीं किए, आज क्यों कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए आप कि पोलैंड और रोमानिया को जो है अमेरिका दूसरा बेट बना रहा है अपना, एक दूसरा यूक्रेन वहां पे बनवाना चाहता है कि खुद अपने सिपाही नहीं भेजेगा, खुद लड़ने नहीं आएगा, लेकिन पोलैंड को कि अब तू भी चढ़ जा सूली पर और रोमानिया को तू भी चढ़ जा सूली पर,
फ्रांस जो है कभी भी डायरेक्ट वॉर में रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। हिस्ट्री ये बताती है दोनों वर्ल्ड वॉर्स की कि फ्रांस सबसे पहले हारता था और ओकुपाई होता था। फ्रांस अपने को उस कंडीशन में नहीं ले जाएगा पूरे उसके अंदर। तो ये जो दादागिरी चल रही है इस समय, इस दादागिरी के अंदर मेरा तो एक सुझाव है दिनेश जी कि पूरे यूएन के स्ट्रक्चर को बदलना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है ये 5 वीटो पावर वाली, इसको खत्म कर। इस बात को मैं चाहता हूं कि आप और तफसील से, आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि क्या यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर बदला जाना चाहिए, ये विशफुल थिंकिंग है या ये प्रैक्टिकल भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।